दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए दंतेवाड़ा में भारी गहमागहमी रही। कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआई पार्टी के प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के नेता दंतेवाड़ा में मौजूद रहे। सभी दलों ने सक्रिय प्रदर्शन में कोई कमी नहीं रखी। कांग्रेस के पक्ष में देवती कर्मा के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आबकारी मंत्री कवासी लखमा एवं पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने नामांकन दर्ज कराया। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, बस्तर सांसद दीपक बैठी मौजूद रहे। नामांकन दर्ज करवाने के मामले में कई बार तय समय को परिवर्तित कर अंततः भूपेश बघेल दंतेवाड़ा पहुंचकर देवती कर्मा के नामांकन दाखिल में शामिल हुए। इसके बाद भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा में भारी भीड़ जुटाकर कांग्रेस ने शक्ति का प्रदर्शन भी किया। प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि चुनाव में हार की खुशी रहती है, लेकिन इस बार हमारी सरकार है जिसने किसानों के लिए ऐतिहासिक काम किया है। जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर देवती कर्मा को जरूर जिताएगी। बीजेपी को भीमा मंडावी के मौत पे सहानुभूति मिलेगी। ये सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भी शहादत दी है, महेंद्र कर्मा भी शहीद हुए हैं, जनता इस बात को नहीं भूलेगी। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि बीजेपी हार चुकी है, मानसिकता से चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पर बेवजह सत्ता के दुरुपयोग का लांछन लगा रही है। बीजेपी इमोशनल कार्ड खेली है, इमोशन के आधार पर देवती कर्मा भी सही महेंद्र कर्मा बड़े उन्होंने शहादत दी। यदि वो शहीद की पत्नी ही थी, यही सही सर। विधानसभा लोकसभा दोनों चुनाव में दंतेवाड़ा से कांग्रेस को पराजित किया है, तो क्या लगता है आगे चल के इसमें जीतेगी, जीत हासिल होगी? सरकार जिस पार्टी की है, विकास से कार्य कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हर जनता इस जनता समझती है कि पाँच साल में विकास बीजेपी ने सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, धन बल और सत्ता बल का। चुनाव शुरू ही नहीं हुआ, नामांकन ही शुरू हुआ है, तो था ये लोग सत्ता का फर्क पड़ेगा सर? हम अपने विचार योगी कांग्रेस से कितना नुकसान है, इनका भी प्रत्याशी आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी फायदा नहीं पूरा इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में जो काम हो, चाहे किसानों का हो, चाहे आदिवासियों के हो, गाँव के हो,